तो रॉड्स लॉ में हम लोग जितने भी इक्वेशंस पढ़े हैं उन सभी इक्वेशंस से हम लोग क्वेश्चंस अब आपको हम आपको डील करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप कैसे बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस में गिवन टर्म्स को पहचानना है, ये आज हम आपको आप सिखाएंगे वीडियो में। तो आपका रॉड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन जब भी कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आप सबसे पहले इक्वेशन जो भी इक्वेशन है उसको पहले आप याद करने का कोशिश कीजिए, या जब तक याद नहीं होता है आप उसको 10 बार 20 बार उसको लिखिए। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक वो इक्वेशन आपको याद नहीं होगा। प्लस इक्वेशन एकदम हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए अलोंग विथ उनके जो भी टर्म्स हैं, कि जैसे रॉड्स लॉ में P1 naught P2 naught P1 X1 ये सब क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, तब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो हम लोग इक्वेशंस रॉड्स लॉ का इक्वेशन जितना भी है यूज किए हैं, पहले इक्वेशन को लिख देते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में इक्वेशन में पढ़े रॉड्स लॉ में वेपर प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये इक्वेशन पढ़े, वेपर प्रेशर टोटल निकालेगा, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अभी बताएंगे। सेकेंड इक्वेशन है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज जो हम लोग कैलकुलेट किए थे कैपिटल एक्स ए इज इक्वल्स टू पी ए बाई पी ए प्लस पी बी एंड इसी को एक्सटेंड किए थे, पी ए को लिखे थे पी नॉट ए एक्स ए बाई पी ए प्लस पी बी इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, देयरफॉर एक्स बी को कैलकुलेट करने के लिए आप 1 माइनस एक्स ए कर दीजिएगा। इस इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड, हम लोग ये जान गए कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जहां पर पी ए एंड पी बी जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन सॉल्यूशन है एंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन प्योर फॉर्म, या आप प्योर कंपोनेंट बोल सकते हैं, या तो इसका मतलब हुआ जब सॉल्यूट ऐड करने के पहले, सॉल्यूशन बनने के पहले का वेपर प्रेशर। एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड दिस कैपिटल एक्स ए एंड कैपिटल एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज। इसी का जो सेकेंड आप फेज सेकेंड स्टेटमेंट आपको बताए थे, सेकेंड फॉर्म रॉड्स लॉ का ऑब्जर्वेशन रिलेटिव ग्लोबलिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन बाय पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम इसको कंपोनेंट टू एक्स टू लिखे थे, याद होगा आपको, इसको एक्स टू लिखेंगे। ठीक है, एक्स टू को फिर मोल फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे एन टू बाई एन वन प्लस एन टू, इसी एन टू बाई एन वन प्लस एन टू को अप्रोक्स इक्वल टू एन टू बाई एन वन भी लिखेंगे। कब, जब एन वन, ये केस कब अप्लीकेबल होगा, जब एन वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन टू, यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जिसको हम एन टू बाई एन वन लिखेंगे, जब एन वन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सो ये सब इक्वेशंस यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको डील कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे समझना है, कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। इक्वेशन याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप तुरंत क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिएगा कि इसमें इस फॉर्मूला को लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.8 में कह रहा है कि आपको वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड ए एंड बी, आप दो कंपोनेंट दिया हुआ है ए एंड बी, इन दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, तो इसको प्योर फॉर्म में पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, ये आपको दोनों दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 450 एंड 700, यूनिट जो भी है आपका एमएमएचजी। ठीक है, इसको ले लेंगे एमएमएचजी ये भी।
एट 300 केल्विन. तो टेम्परेचर से रिलेटेड तो कुछ यहाँ पे बात नहीं है. फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर. तो आपको टोटल वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है 600 mm ऑफ एच जी. तो आपसे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी आप इस दोनों टर्म को और टोटल वेपर प्रेशर से रिलेटेड आप कौन सा इक्वेशन जानते हैं. तो आपको हम बताए थे कि वेपर प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी. देखिए टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 600 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज. जिसका मतलब है आपको स्मॉल एक्स ए एंड स्मॉल एक्स बी एज वेल एज कैपिटल एक्स ए एंड कैपिटल एक्स बी दोनों निकालना है. तो एक्स ए पी नॉट ए 450 माइनस पी नॉट बी 700 प्लस 700. सॉल्व कर दीजिए आप इसको यहां से. ये देखिए माइनस 250 एक्स ए हो गया और ये 700 इधर आएगा तो माइनस 100 हो गया. आप इसको यहां से एक्स ए निकाल लीजिए 100/250 ये आपको लगभग 0.4 आ जाएगा. एक्स ए जब 0.4 आ गया ठीक है तो सिंपलाइज एक्स बी कितना होगा 1-0.4 ये 0.6. तो ये कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर हो गया. और इसके बाद आपसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज. तो वेपर फेज कंपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ, आपको कैपिटल एक्स ए और कैपिटल एक्स बी भी निकालना है. तो कैपिटल एक्स ए और कैपिटल एक्स बी निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई एक निकाल लीजिए, दूसरा निकालने के लिए 1-x कर देंगे. तो एक्स ए को हम अपने आपको बताए थे पी ए बाई पी ए प्लस पी बी. पी ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाई पी ए प्लस पी बी को आपको बताए थे वेपर प्रेशर टोटल. क्वेश्चंस में आपको पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ था 450. एक्स ए आपने कैलकुलेट करके अभी लाया 0.4 और टोटल वेपर प्रेशर आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ था 600. कैलकुलेट कर लीजिए 15 3 15 4 4 0.1 यानी एक्स ए आपका आ गया बाबू 0.3. देन एक्स बी इज इक्वल टू 1-0.3 इज इक्वल टू 0.7. ये 0.3 एंड 0.7 आपका कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज हुआ. अगर वेपर फेज बोलेगा तभी आप कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एक्स भी निकालिएगा, और जब कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर से बोल रहा है देन यू हैव टू ओनली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस. आप इसको चेक कर सकते हैं कि एक्स भी क्या 0.7 आएगा कि नहीं आएगा. तो ठीक है कैसे चेक करेंगे भाई, तो ठीक है देखिए आपको बताया गया था एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा पी बी बाई पी ए प्लस पी बी. पी बी को क्या लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी बाय टोटल वेपर प्रेशर. पी नॉट बी आपको दिया हुआ था 700, एक्स बी आपने निकाला 0.6 बाय वेपर प्रेशर टोटल दिया हुआ है 600. आप कैलकुलेट कर लीजिए 6 से ये 0.1 0.1 इंटू 7 0.7 आ गया ना. तो ये क्वेश्चंस आप जितने भी एनसीईआरटी का है जरूर सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है. अगला क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन है. ये भी आपको वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2.6. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन जरूर बनाए एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.36 एक्सरसाइज एनसीईआरटी. हंड्रेड ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास 140 ग्राम पर मोल. यानी ए एंड बी दो कंपोनेंट फेज से है, इसका गिवन वेट 100 ग्राम है, ये गिवन वेट है, और मोलर मास ये गिवन वेट है ठीक है. ये डब्ल्यू ए ले लेते हैं हम इसको, और मोलर मास को हम एम ए ले लेते हैं ठीक है. मोलर मास इसका 140 ग्राम है और इसका गिवन वेट जो है आपको 1000 ग्राम है, और मोलर मास इसका 180 ग्राम दिया हुआ है. आपसे पूछ रहा है
आपसे और भी डाटा आगे दिया होता, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी यानी पी नॉट बी दिया हुआ आपका 500 टॉर, टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो 500 टॉर दिया हुआ है क्वेश्चन साहब, मैं आपको डिमांड कर रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड जहां भी प्योर टर्म है यानी वो पी नॉट ए पूछ रहा है, ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए हो गया, इसका सॉल्यूशन में भी पूछ रहा है यानी ये भी पूछ रहा है पीए भी, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में है और ये प्योर कंपोनेंट का है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है आपको, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो है आपका 475 टॉर, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए टोटल वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपको जो इक्वेशन था रॉल्स लॉ का उसको यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, कैसे, टोटल वेपर प्रेशर आपको हम बताए थे इक्वेशन x से इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, देखिए वेपर प्रेशर टोटल दिया हुआ आपका 475 इज इक्वल टू x से मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ a, मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना होगा आप लोग बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ a हम लोग निकाल लेंगे x से, a का मोल बाई टोटल मोल a ना होगा, तो ए का मोल कितना होगा, लिगेंड वेट 100 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 140 है, 100 बाई 140 बाई टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना होगा, ए का मोल प्लस बी का मोल, तो ए का मोल 100 बाई 140 तो है और बी का मोल होगा गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी 1000 बाई 180, इसको यहां पुट कर देंगे, ठीक है, 100 बाई 140 बाई 100 बाई 140 प्लस 1000 बाई 100 ये एक्से हो गया, पी नॉट ए आपको निकालना है, ठीक है, यानी ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए हो गया, पी नॉट बी आपको दिया हुआ है 500 प्लस 500, ठीक है, आप यहां से पी नॉट ए निकाल दीजिए, ठीक है, पी नॉट ए निकाल दीजिएगा तो ये तो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद पी ए भी पूछ रहा है यानी ए का कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, तो ये पी ए कितना होता है, रॉल्स लॉ के अनुसार आपको बताया गया है पी नॉट ए इंटू एक्स, एक्स से हमको पता है, ठीक है, और पी नॉट ए इस इक्वेशन से निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इक्वेशन को समझिए, गिवन डाटा को लिखिए, गिवन वेट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, वेपर प्रेशर टोटल अगर दिया हुआ है तो किस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट का क्या होता है, तो प्योर वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट में हमेशा नॉट है, इन द सॉल्यूशन में कह देगा तो वो पी ए एंड पी बी है, प्योर कंपोनेंट कहेगा तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन कहा तो स्मॉल एक्स है स्मॉल एक्स भी है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कहा तो कैपिटल एक्स है कैपिटल एक्स भी है, तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये आपका रिलेटेड क्वेश्चंस था रॉल्स लॉ से, और कुछ फर्दर क्वेश्चंस आपको हम हेनरीज लॉ पे भी बताना चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको, अब हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है,